रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के भरवलिया शिव मंदिर के पास स्थित पोखरे में 13 दिसंबर को 40 वर्षीय राम अवतार निषाद ने पोखरे में छलांग लगा दी थी, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने SDRF के सहयोग से शव को ढूंढने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद गुरुवार की शाम को शव बरामद हुआ, जिससे मुकामी पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेज दिया। आपको बता दें कि 5 दिन पहले डूबे व्यक्ति की तलाश में 2 दिनों तक SDRF की टीम के रेस्क्यू करने के बाद भी शव नहीं मिला, जिसके बाद बुधवार को नगर निगम ने पोखरे से पानी निकालने के लिए एक पंप सेट लगा दिया। गुरुवार को सुबह शव नहीं मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने पोखरे पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना तथा शव की तलाश के लिए नगर निगम से बात करके 2 पंप सेट लगा दिया। इस दौरान मौके पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और अधिकारियों से बात की। उन्हें मौके पर मौजूद तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया। देर शाम तक पोखरे का पानी निकालकर शव को बरामद किया गया और पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, CO कैंट सुमित शुक्ला व दूरभाष पर बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, मशीन कल से खराब है, फिर भी उसमें प्रयास किया जा रहा है। दूसरी मशीन क्यों नहीं मंगवाए आप लोग? क्या मतलब है इसका? 12 बजे मंदिर के पास कब चालू हुआ था जी ये मशीन? चालू ही नहीं हुआ, अभी चल किनारे लाल अभी चल तो रही थी। कोई सरकारी भुगतान नहीं हुआ था, इतना काम नहीं करवाया था। पहले तो बड़ा कंडीशन का खराब था, पहले बहुत बुरा कंडीशन था, आप खड़े होने लायक है ना, बहुत खराब होना था। 2 मशीनें और आगे से ऐसी घटना है, नगरीकरण हो जाएगा, बाड़ा पड़ जाएगा, तो कोई उसमें सब नहीं पाएगा। मतलब ये देखने 2-3 घंटा बढ़िया से 4-5 मशीनें चल जाएगा, ये पानी कम हो जाएगा, सबको मिल जाएगा। एक बता रहे सर, पीपल का पेड़ टूट के इसी में तो सर ये पानी कम होने के बाद ही हुआ। जिंदाबाद 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 जि
अस्सी लाख के खड़ा करा दिया चल रहा था बता, इतना बड़ा पोखरा हो परसों से चल रहा है क्या मतलब? तो जब इतने बड़े अधिकारी का काम से कोई मुद्दे से क्या कर अब जितने भी बात हुई है मैक्सिमम मंगा दे रहे हैं। मैक्सिमम ये तो रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए ना, अगर एनडीआरएफ बैठ गई डाल एनडीआरएफ का जाल डालने की क्या जरूरत है जब उसने साल लाख को डाल दिया साल को, जब एनडीआरएफ के एनडीआरएफ से बड़ा ट्रेंड कौन है पता चला, वो जाल मार घूम रहा है मछली मार रहे हैं, बारिश सुखान रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, अब बीमार हो जाएंगे अभी तो नगर आए नगर स्वास्थ्य नगर अधिकारी न पेंगे क्या मतलब है? एक तो यहाँ अभी ये जो अभी दो मशीन दूसरी बात इसमें दो घटनाएं सही करा दो, मैंने मेरा यहाँ आने का मतलब है था इससे पहले विधायक आ गए, इसके मतलब प्रशासन की निगाह में ये जो जो नेता है या जनप्रतिनिधि है वो चूते नजर आ रहे हैं क्या मतलब हुआ? फोटो खिंचाने आए तो राज्यसभा सांसद फोटो खिंचाने आए जो है विधायक जी, हम तो फोटो खिंचाने वाले नेता नहीं है ना, हम तो काम वाले नेता हैं और काम करके दिखा दिए हम क्या चाहते हैं, हम जब तक किसी मित्र रहते मित्र ना निभाते हैं। पहले तो अभी हम अभी बैठेंगे शिकायत करेंगे, अधिकारी जितने भी डिफाल्टर टाइप के दूसरे पार्टियों काम कर रहे हैं वोट खराब कर रहे हैं उन्हें पहले यहाँ हटाए हैं, नहीं तो सब इज्जत पानी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा तो ये है कि सुंदरीकरण में गड्ढा तो कर दिया, पैसा ले लिया, इसका कहाँ चला है? उसे जाँच होना चाहिए कम से कम। प्रधान जी ये तो एक गुजरन ने कहा उसी कॉपी दीजिए आप लोग, उसके प्रधान खतरा है ना यहाँ से रहेंगे तो नहीं नोटिफिकेशन हो गया का तो एक आपकी जिम्मेदारी है, नोटिफिकेशन हो गया यहाँ चार्ज वापस ले लिया गया प्रधान का, नगर निगम के चार्ज में आ गया। आज इस भरवलिया ग्राम सभा है जो नगर निगम में आ गया है, यहाँ 5 दिन पहले एक युवक डूब गया था जिसकी उम्र 40 साल है, इस पोखरे में कई बार और लोग डूब चुके हैं, तो 4 दिन से शासन प्रशासन उस लाश खोलने में लापरवाही कर रही थी। यहाँ विधायक भी आए, राज्यसभा भी आए, मैं भी आया था, मैं नगर आयुक्त से बात किया, एक मशीन लगा रखा था, मैंने कहा सभी मशीनें खाली उसे लगा दो जल्दी से, पोखरा खाली हो जाए, यहाँ शासन प्रशासन भी परेशान है, लाश मिल जाएगी सड़ेगी तो परेशानी होगी, यहाँ नगर निगम आने से सफाई कर्मी वापस हो गए हैं और नगर निगम कुछ दिया नहीं है, उसके लिए गांव वालों ने यहाँ रोड जाम कर दिया था, फिर हमारे कहने पर शासन प्रशासन ने माना है कि नहीं अभी हम जल्दी पोखरा खाली करा देते हैं और उसे उसके परिवार को कुछ सहायता भी देते हैं और इस पोखरे की सुंदरीकरण के लिए हम शासन प्रशासन से लेकर काम। मैं 40 साल का युवक था, वो निषाद बिरादरी का था और गरीब था, राम अवतार नाम था और वो हमारे कार्यकर्ता था निषाद पार्टी का, इसलिए और दुख दर्द है और वो हमारी पार्टी को यहाँ झंडा गाड़ चुका है, पूरे देश में प्रचार कर चुका है, वो प्रचारक था, अचानक डूब गया, कैसे डूबा हो तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। निश्चित रूप से साक्ष्य मिटाने में अधिकारी लिप्त हैं, तो ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से मैं तो शिकायत करूंगा कि ऐसे लापरवाह बेपरवाह और निकम्मे अधिकारी यहां रहेंगे तो उस तरीके का बहुत नुकसान हो जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी में गरीबों में और मजलूमों में कमजोरों में एक गलत संदेश जा रहा है और त्वरित न्याय और त्वरित उन्हें सुरक्षा मिले इसके लिए नए तरीके से जांच कराकर दुरुस्त अधिकारियों को, इस कम से कम गोरखपुर में तो बढ़िया अधिकारी रहे जो तुरंत कार्यक्रम था। निश्चित रूप से इसमें तो घोटाला हो गया, पिछले बार खोद उद के पैसा से ले लिया लोगों ने, तभी मैंने लिखा कि लिखित रूप से इसे सुंदरीकरण कराया जाए, बाड़ लगाया जाए जिससे इसमें दूसरा कोई न डूबे और ये ग्राम सभा का है, मंदिर भी बगल में है और पोखरा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, शासन ने कर दिया कि जितने भी पोखरे हैं उसे सुंदर बनाया जाए और उसे वहाँ कम से कम गंदगी हटाई जाए और उसे सुंदर बनाकर रमणीय स्थान बनाकर कम से कम ग्राम सभाओं के रखने के चलने के लिए दिया जाए, इसके लिए शासन ने कहा कि हम लिखते हैं और काम कराते हैं। किस तरह का लगा गया क्या? ये देखिए चौथ मतलब 3 दिन पहले तो रात को ये राम निषाद नाम के व्यक्ति का यहाँ पे पानी में आ गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट गिर गया रात में, तो उन्हीं का रेस्क्यू करने का तो हम लोग SDRF वगैरह भी लगाया गया था बट ट्रेस नहीं हुई ये बॉडी, अब ये तय किया गया है कि पंप लगा के और पानी खाली किया जाए ताकि बॉडी को लेके और हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर सके, पोस्टमार्टम वगैरह हो जाए क्या कारण। गांव वालों ने जाम लगाया कि 3 दिन से लोग परेशान थे। देखिए जो भी लिमिटेशंस हैं हमारे, अमूमन ऐसे में बॉडी मिल जाती है, नदियों में भी हमने बॉडी खोजी है SDRF और NDRF लगा के।
बट बाई डिफॉल्ट तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई पेड़ गिरा था जिसके अंदर हो सकता है फंसी हो बॉडी। गोताखोर का भी प्रयास किया गया, SDRF भी लगाई गई बट ट्रेस नहीं हो पाया, इसलिए तो हम लोग खाली कर रहे हैं पूरा। देखिए भरवलिया गांव में राम अवतार नाम का एक युवक जो कि लगभग 40 साल का है उसके डूबने की सूचना मिली थी, तो उसी क्रम में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और नगर निगम पंप सेट की व्यवस्था की गई है, उससे किया जा रहा, जल्दी हम लोग सफलता पाएंगे। देखिए SDRF की टीम और इसके अलावा पंपिंग सेट का इस्तेमाल करके हम लोग तालाब को खाली करा रहे हैं, काफ़ी गहरा तालाब है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम और विभागों की सहायता ले रहे हैं, जल्दी जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। देखिए भरवलिया गांव में सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति डूब कर डेथ हो गई है। सुबह मुझे सूचना मिली है, मैं छुट्टी पे था, उसके पहले भी सूचना आई थी तो हम लोगों ने दो पंप भेजे थे कि उस तालाब को खाली किया जा सके। पब्लिक की डिमांड रही कि और भी पंप भेजे जाएं, तो दो पंप और भेजे गए और हमने अपने सक्शन मशीन भी भेजा बड़ी वाली, जिससे पानी खाली कराया गया और पानी खाली कराते ही वो डेड बॉडी मिल गई है। अभी आधे घंटे पहले मुझे फोन द्वारा सूचना दी गई है कि डेड बॉडी मिल गई है, तो अब डेड बॉडी मिल जाने के बाद तालाब को खाली कराने का कोई तार्किक कारण नहीं है, इसलिए अब तालाब को खाली कराने का काम बंद कर दिया गया है और डेड बॉडी हमारी मशीनों से तालाब जब खाली कराया गया। ये दिनांक 13 तारीख को रात में सूचना मिली थी कि एक भरवलिया गांव में एक व्यक्ति है जो अत्यधिक नशा करके एक वहाँ पोखरा है उसमें कूद गया है, उसमें पुलिस द्वारा तत्काल ही उसका छानबीन शुरू की गई। SDRF की टीम भी दो दिन लगी रही लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। दो दिनों से नगर निगम की टीम लगी है और पोखरे के जो पानी है उसको बाहर निकाला जा रहा था, आज पानी काफ़ी कम कर दिया गया तो उसका बॉडी मिली है जो अत्यधिक उसका कीचड़ में से नहीं हुई थी, उसको निकाल के PM के लिए भेजा गया है। क्या नाम था? ये भरवलिया गाँव का ही रहने वाला है, निषाद जाति का व्यक्ति था और पूरे गाँव ने देखा था कि नशा करके कूद गया था, पूरे गाँव ने इस घटना को पूरे गाँव ने देखा था, तो कोई इस तरीके की बात नहीं है, ये नशा के कारण ये ऐसे इसने घटना की थी, बाकी सब निकाल के इसका PM करवाया जा रहा है।